नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने अपने पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो पहला लेक्चर हुआ है उसमें हमने अपने लेक्चर के अंत में सब ग्रुप के पहले कुछ एग्जांपल्स बताए थे, फिर हमने आपको सब ग्रुप के की डेफिनेशन दी थी। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। क्या डेफिनेशन दी थी हमने सब ग्रुप की? कि लेट जी बी ए ग्रुप and HB non-empty subset of G, then H is called a subgroup of, याद रखिए सब का नाम subset के SUB से सब आया है, क्योंकि H एक्चुअली G का क्या है, सबसेट है, तो सब बना और ग्रुप भी होगा इसलिए सब ग्रुप नाम पड़ा। H इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H इटसेल्फ, इफ H इटसेल्फ इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ G। फिर से ध्यान दीजिए अच्छी तरह से जो हम बात कर रहे हैं यहां ना, मैंने कोई एक ये फ्रेज लिखा है अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, तो याद रखिए ये मेरा जी ग्रुप है, इसको मैंने पहले ही कोई ऑपरेशन दे दिए। मान लीजिए मैंने ऑपरेशन स्टार दिए, स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस जी पर, और एच इसके इसका एक सबसेट है, तो एच इसका सबसेट है, इसको जब मैं ग्रुप बना रहा हूं तो इसको तो ग्रुप में किसी दूसरे ऑपरेशन को लाके भी बना सकता हूं, पर ये करना अलाउ नहीं है सब ग्रुप में। सब ग्रुप में ऑपरेशन यहीं से आनी, यही स्टार ऑपरेशन होगी। ये स्टार ऑपरेशन पहले जी पर थी, अब ये स्टार ऑपरेशन एच पर भी लगेगी, वही स्टार। तो कई ऑथर इस स्टार ऑपरेशन को बोलते हैं एच पर लग गई, जिसे कहते हैं स्टार हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू एच। स्टार ऑपरेशन जी की थी, उसका रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया किस पर, एच पर, और लिखते समय इसको भी हम स्टार ही लिखते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि जी स्टार इज ए ग्रुप, तो हम यह भी कहते हैं कि एच स्टार इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये दोनों स्टार में कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्टार पूरे जी के एलिमेंट पे लगता है और यही स्टार हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया केवल एच के एलिमेंट पर। तो प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मैं सब ग्रुप किसी ग्रुप का कह रहा हूं तो मैंने वो ऑपरेशन को, उस ओरिजिनल ऑपरेशन को, उस सेट, उसके सबसेट एच पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं कोई कहीं बाहर से उठा के कोई ऑपरेशन लेके नहीं आया, वो बात ही नहीं बचेगी, वो तो अलग चीज हो गई। उसका उस एच का यदि मैं कोई ऑपरेशन बाहर से ले आऊं तो उस एच का इस जी ग्रुप से कोई संबंध नहीं रहा, फिर वो चीज हमारे लिए, वो चीज हमारे काम की ही नहीं है। हमारी डेफिनेशन का ये इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी ऑपरेशन जी से ही आ रही है। सो कुछ सब ग्रुप के एग्जांपल्स हमने, शायद कुछ सब ग्रुप के एग्जांपल्स स्पष्टता बोल के या अलग तरीके से आपको दिखाए होंगे या नहीं दिखाए होंगे, मैं फिर भी कुछ एग्जाम्पल की बात करना चाहूंगा सब ग्रुप में। कुछ एग्जाम्पल मैंने किसी और कंटेक्स्ट में कहा है, पर वो एग्जाम्पल सब ग्रुप के भी है।
पहले हम सबसे पहले हमारा देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल जो है जिससे पूरी ग्रुप थ्योरी का बेस है वो ये एग्जांपल है जेट प्लस जो हमने बोला था पूर्णांकों का एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप लिया हमने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके सब ग्रुप क्या क्या होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक्चुअली ये इसके आप सारे सब ग्रुप लिख सकते हैं और ये मैं आपको होमवर्क भी देने जा रहा हूं इस बार कि आपको दिखाना है कि यही इसके सब ग्रुप होंगे। तो आए हम बात करें इसके सब ग्रुप क्या हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बड़े अच्छे से। सबसे पहला एग्जांपल है क्या इवन नंबर इनमें से पूर्णांकों में क्या इवन नंबर लूं तो क्या वो सब ग्रुप बन जाएगा इवन नंबर। मतलब इवन नंबर का मतलब होता है दो के मल्टीपल। दो के मल्टीपल लिखने का तरीका यह भी होता है, ध्यान से देखिए मैंने क्या नोटेशन फॉलो किया, 2z माने 2k मल्टीपल का मतलब होता है ये सेट 2m, जहां m कहां से आया z से। इसका मतलब इस सेट को तुम स्पष्ट रूप से लिखना चाहो तो ये लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो इस सेट को लिख रहे हो क्या 0 2 4 6 और क्या लिख रहे हो -2 -4 एंड सो ऑन। ये सेट है, ये सेट कुछ नहीं देखिए इवन नंबर का सेट है, नेगेटिव इवन नंबर पॉजिटिव इवन नंबर और जीरो भी आया हुआ है। तो आप इसको मल्टीपल कह लें टू का या इवन नंबर कह लें जो आपकी इच्छा है कहने की, पर हम देखना चाहते हैं क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनता है। तो ध्यान से देखिए दो इवन नंबर को यदि हम जोड़ें तो फिर से हमें इवन नंबर ही मिलेगा। देखने का तरीका क्या है, मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट उठाइए, कोई भी दो एलिमेंट उठाइए यहां से, तो याद करिए ये दो एलिमेंट कैसे दिखेंगे। ए कैसा दिखेगा 2m for some n belonging to z और बी कैसा दिखेगा 2n for some n belonging to z। ऐसे तो दिखेगा, देखिए ना इस सेट के सारे एलिमेंट ऐसे तो दिखते हैं। तो ए कुछ ऐसा होगा, बी किसी एन के लिए ऐसा होगा, इनको जोड़े जरा सा। याद रखिए जब मैं आपको किसी एग्जांपल को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने या कुछ बताना चाह रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये एग्जांपल आपके प्रूफ में भी काम आएगा। जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं इसको केवल मात्र एग्जांपल के रूप में मत लीजिए प्लीज, ये देखिए कि क्या ये एग्जांपल प्रूफ में भी क्या ये मेरी ये मेथड ये तरीका काम आएगा कि नहीं आएगा। ए प्लस बी क्या हुआ बोलिए 2m प्लस क्या हुआ 2m plus n। m प्लस n को थोड़ी देर के लिए हम बोलते m एक इंटीजर था, n कोई दूसरा इंटीजर था, तो हमने m प्लस n को क्या लिख दिया 2p, जहां p क्या है m प्लस n और ये भी क्या है एक इंटीजर है, पर ये तो किसका मेंबर हो गया ये तो 2z का मेंबर है। इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सेट क्लोज है, इसका मतलब एडिशन 2z पर भी बाइनरी ऑपरेशन है। 10 प्लस इज 10 2z इज क्लोज्ड अंडर प्लस, इस ऑपरेशन के अंदर में 2z क्लोज्ड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी आपको पता है, एक रूल याद रखिए हमेशा, सिंपल रूल है, यदि किसी बड़े सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो उसके हर सबसेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो जेड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो 2z में, 2z क्या है जेड का सबसेट है, उसमें भी होगी। सो इसको लिखते हैं एसोसिएटिविटी फॉलोज ट्रिवियली, ट्रिवियली मतलब इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों ट्रिवियली बिकॉज 2z इज सबसेट ऑफ z, तो z में है तो उसके हर सबसेट में होगी, क्योंकि एसोसिएटिविटी यहां है तो यहां पर भी होगी। दो बातें आ गई, ग्रुप की डेफिनेशन याद आ रही है आपको, क्या क्या किया था ग्रुप की डेफिनेशन, हमने क्लोजर दिखाया था ऑपरेशन को, फिर क्या दिखाया था हमने एसोसिएटिव दिखाया था, फिर क्या दिखाया था याद करिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाया था, और जरा ध्यान से देखिए जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था और 2z का आइडेंटिटी एलिमेंट भी जीरो है,
क्योंकि जीरो वो एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में जोड़ दो फिर से वही एलिमेंट आ जाता है. तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ टू जेड. और एक बात दिमाग में रखिए जरा ध्यान से, टू जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट वही है जो बड़े वाले सेट का था, ग्रुप का था. तो ये क्वेश्चन आएगा, क्या सबसेट का आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जो ग्रुप का होता है? सब ग्रुप का वही होता है जो ग्रुप का होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा थोड़ा. इसका हम आंसर देंगे लास्ट में कि क्या हो सकता है. इस केस में देखिए जीरो ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है. अब हम मुझे दिखाना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स मेरे टेबल में ही दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है, चार्टिंग जो की है मैंने, इसमें साफ साफ दिख रहा है. 2 का इनवर्स -2 है, 4 का इनवर्स -4 है, 6 का इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, a का इनवर्स, a क्या था 2m, a का इनवर्स क्या हो जाएगा -2m. -2m को लिख सकते हैं 2 - m. 2 - m क्या होगा, यदि m इंटीजर है तो -m भी इंटीजर है. ये भी किसका है, सेट 2z का मेंबर है. तो आप देखिए मैंने सारी बातें दिखा दी. H, H means 2Z, यहां पर 2Z है. H 2Z नॉन एम्प्टी है, ऑपरेशन में क्लोज है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, जीरो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर एलिमेंट का इनवर्स है. इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सेट किसी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप कहलाता है. इसका मतलब 2Z क्या बन गया, इट मीन्स 2Z प्लस इज ए ग्रुप. क्लियर, वापस आओ डेफिनेशन में. G Z ग्रुप था, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट था, 2Z उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, H इटसेल्फ इज ए ग्रुप, 2Z एक ग्रुप बन गया. किस ऑपरेशन के तहत, उसी ऑपरेशन के तहत जो जेड के साथ थी. इसका मतलब मेरी डेफिनेशन कहती है कि 2Z इसका क्या है, सब ग्रुप है. तो क्या निकाला हमने, 2Z इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड. क्लियर. तो अब सोचिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मल्टीपल लिए थे. अब यही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर क्या 3 के मल्टीपल भी बनाएंगे? आंसर है यस. देखो ना, 3m 3n जोड़ोगे तो 3 बाहर आएगा, m प्लस n, फिर से आंसर मल्टीपल में आया. तो 4 के मल्टीपल बनाएंगे, यस. 5 के, यस. 7 के, यस. जो भी नंबर लाइए, -2 के मल्टीपल, यस. -3 के मल्टीपल, यस. 0 का मल्टीपल सिंगल कंसेप्ट बनेगा, 0 सब ग्रुप, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा. सॉरी, किसी भी नंबर से जोड़ो 0 आएगा. 0 का मल्टीपल का मतलब होता है 0 × m. 0 × m माने केवल एक 0 सेट आया. और आपको पता है 0 हमेशा क्या होता है, सिंगलटन सेट. 0 आइडेंटिटी वाला सेट हमेशा ग्रुप का सबसेट होता है. इसको मैंने ट्रिवियल सब ग्रुप कहा था, याद करिए पिछले एग्जांपल में. सो ये 2Z भी हमारा क्या बन गया, 3Z 4Z सब हमारे क्या बन गए, सब ग्रुप बन गए. अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं. आज हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी कम है अभी, पर थोड़ा सा इन प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको किसी भी बुक में देखने के पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने आप करने की कोशिश करिए एक बार. डिफिकल्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो करिए देख के कैसे होगा. तो हमें क्या प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, 2Z, 3Z, 4Z, कोई भी मल्टीपल है जेड का, वो क्या है, जेड के सब ग्रुप है. प्रॉब्लम मैं आपको ये दे रहा हूं, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस, सारे सब ग्रुप जानता हूं मैं, पूरा क्लासिफिकेशन है मेरे पास सब ग्रुप का. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ग्रुप थ्योरी में, और ये प्रॉब्लम फिजिक्स में और आगे चल के बहुत काम आती है. सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं. क्या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है,
कि किसी भी ग्रुप के क्या कितने सब ग्रुप आप बता सकते हैं एक्सप्लिसिटली, और ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, और ऐसे हर जगह ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, यहां ये संभव हो जाएगा क्योंकि आप कुछ काम कर सकते हैं, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस आर ऑफ द टाइप, ऑल सब ग्रुप ऑफ एफ जेड आर ऑफ द टाइप एन जेड, एन जेड मीन्स एन इन टू एम फॉर ऑल एम बिलोंगिंग टू जेड, मतलब एन के मल्टीपल, एन जहां पर क्या है, वेयर एन इज एनी इंटीजर, तो आपने सारे मल्टीपल जितने भी सब ग्रुप जेड के होते हैं वो ये होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होते। और ये कितना इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है, देखिए जैसा आपको जेड प्लस के सारे सब ग्रुप पता है, कोई भी आपसे पूछे, मैं आपको कोई चीज दूं, मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या इसके अलावा हो सकते हैं, आपको यही दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब सब ग्रुप होंगे आपको पहले से पता, मैंने दिखा दिया करके, कोई नया काम नहीं करना आपको, ये सब ग्रुप होंगे तो पता है, आपको ये बताना है कि यही सारे सब ग्रुप होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके देखिए, नहीं तो हम इसको अपने किसी लेक्चर में, कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारा एक लेक्चर होगा, हम उसमें जरूर करेंगे इसको, पर मैं सोचता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी, आप इसको कर सकते हैं। सो हमने इसके सब ग्रुप देखे, किसके सब ग्रुप देखे हमने, जेड प्लस जेड इंटीजर्स का सेट, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जो हमने लिया था उसके सारे सब ग्रुप हम जानते हैं क्या होंगे, हमारा इंटरेस्ट सब ग्रुप में एक और कारण से भी है। सब ग्रुप में मैंने आपसे बताया था, आपको क्या बोला है, मैंने ध्यान से सुनिए, मैंने बोला है कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, किसी ग्रुप का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप तब होता है जो वो जब वो खुद भी ग्रुप बन जाता है, तो इसका मतलब मुझे चारों चीजें क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों को वेरीफाई करना है। अब आप नेचुरल क्वेश्चन पूछिए मुझसे, क्या सब कम में काम चल सकता है, और आंसर है यस। जरूरी नहीं कि आप मुझे कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दें, मैं चारों चीजों को वेरीफाई करूं, मैं केवल दो के वेरिफिकेशन से ही बता सकता हूं कि ये सब ग्रुप है कि नहीं। तो मैं आपको यहां पर एक पहली बार मैं आपके इसमें एक थ्योरम लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन के सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के का कैरेक्टराइजेशन ऑफ सब ग्रुप कहते हैं। थ्योरम ये है कि लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। याद रखिए मैंने एक नोटेशन फॉलो किया है, क्या नोटेशन फॉलो किया या क्या ट्रेडिशन फॉलो किया है मैंने, मैं कभी भी ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं हम अंडरस्टूड कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होगी, और यहां की जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन यहां रेस्ट्रिक्ट की गई है, तो हम ऑपरेशन नहीं लिख रहे हैं, प्लीज याद रखिए बार बार, नहीं तो अदरवाइज स्टैंडर्ड तरीका तो लिखने का ये होता है कि जी कॉमा स्टार कोई ग्रुप है, एच कॉमा स्टार उसका सब ग्रुप कब बनेगा। तो लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, कैरेक्टराइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा यदि और केवल यदि में होती है, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए एंड बी, आज मैंने कुछ नोटेशन भी इंट्रोड्यूस किए हैं, फॉर ऑल के लिए होता है, सारे ए बी का कोई भी एलिमेंट उठाइए दो, उनका प्रोडक्ट भी एच में होना चाहिए, मतलब क्लोजर की प्रॉपर्टी, इसको कुछ नहीं क्या कहा था हमने, इसको क्लोजर कहते थे। सेकंड, ए बिलोंग करता है एच को, तो ये इंप्लाई करता है कि ए इनवर्स बिलोंग करता है एच को, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एच, मतलब एच के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एच में ही है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। केवल ये दो प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करवा दीजिए, कि आपको यदि मैं कोई ग्रुप दूं और ग्रुप का कोई सबसेट दूं और आपसे पूछूं क्या ये सब ग्रुप है,
तो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कौन सा? चारों चीजें वेरीफाई करिए। और एक तरीका उससे सिंपल तरीका है कि चारों चीजें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो चीजें आप यदि वेरीफाई कर दें काम चल जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो आज मैं आपको, आप बार बार सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारे लेक्चर्स में हमने प्रूफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कोई चीज का प्रूफ लिखा कैसे जाता है। इफ एंड ऑनली इफ का प्रूफ दो वे में होगा। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ऊपर है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये होना चाहिए, और यदि ये हो रहा है तो एच सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट, और प्रूफ को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बार बार सारे प्रूफ नहीं करा सकते कभी भी, कुछ प्रूफ आपको लर्न करने हैं जो हम करा रहे हैं, उनको लर्न करने के बाद में उनको बुक्स में देखना है, और मैं बुक्स का नाम भी दूंगा आपको कुछ, और बुक्स में देखने के बाद में फिर सीखना है आपको। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम ये मान लेते हैं, पहला पार्ट मान लेते हैं, सपोज एच सब ग्रुप है जी का, सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना यदि एच सब ग्रुप है जी का तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बड़ा इजी पार्ट है प्रूफ का। क्यों इजी पार्ट है? सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो डेफिनेशन में क्या लिखा था? एच सब ग्रुप जी का कब होता है? जब एच खुद ग्रुप हो, देन बाय डेफिनेशन एच इज ए ग्रुप इन इटसेल्फ, एच इज ए ग्रुप इटसेल्फ अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। इट मीन्स यदि एच ग्रुप है, इसका मतलब दोनों चीजें सही है। इट मीन्स वन एंड, ग्रुप में क्या होता है, यदि कोई चीज ग्रुप हो तो कितनी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं? चार। हमको तो दो ही दिखानी है। इट मीन्स वन एंड टू होल्ड। पहला पार्ट इजी है, इंटरेस्टिंग पार्ट तो दूसरा है। क्या? कन्वर्सली, उल्टा करें जरा सा। सपोज कंडीशंस वन एंड टू होल्ड्स, कंडीशन वन एंड टू होल्ड, सपोज कंडीशन वन एंड टू, ये दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। अब मुझे दिखाना है कि एच सब ग्रुप होगा, इसका मतलब मुझे बची हुई दो कंडीशन भी लानी है। कौन सी दो कंडीशन बच गई? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक को छोड़ रहा हूं, वैसे बची हुई क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। तो आपके हम चार मान के चल रहे हैं, चार प्रॉपर्टी है, दो मैंने ऑलरेडी मान ली है, होल्ड कर रही है, तो मुझे दो दिखानी है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और साथ में दिखाना है एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करेगी। मैंने आपको क्या जनरल रूल बताया था? यदि किसी बड़े सेट में एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट कर रही है तो छोटे वाले सेट में हमेशा करेगी। सिंस एच इज ए सबसेट ऑफ जी एंड जी इज एसोसिएटिव with respect to operation, therefore H is also associative। लीजिए भैया, तीन हो गया, एक और दो तो खोल करती दिया है, associative भी आ गया। Now if A is member of H, if A is member of H, then you know that A inverse is member of H by condition number 2. Now A is member of H, A inverse is also member of H, then by condition 1, see condition 1, A inverse is also member of H by condition number 1, see beautifully. Now, what this gives? What is the meaning of A inverse?
I have told you in previous lecture, A inverse means A is multiplied to its inverse, and it will always give you the identity where E is an identity of G. देखिए जैसा बात, क्या क्या दिखा दिया आपने H के लिए, क्या क्या चीज दिखा दी आपने, देखिए क्या क्या दिखाया H के लिए। वन कंडीशन तो थी, क्लोजर था, इनवर्स तो दिया, जो दिया था आपने, एसोसिएटिविटी आ गई क्योंकि वो सबसेट है, आइडेंटिटी भी आ गई, चारों कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब H क्या बन गया, दिस इंप्लाइज H इज ए ग्रुप अंडर दी ऑपरेशन ऑफ G। इसका मतलब हो गया H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब हो गया H G का क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। देखिए, दो आपने मान के चले, मैंने ये दिखा दिया, तो मैंने पहला वाला पार्ट भी प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला पार्ट भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये रिजल्ट मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई और ये करेक्टराइजेशन है। तो इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, इस थ्योरम में मैंने बताया कि चारों की चार प्रॉपर्टी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, केवल दो प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है सोचिए। अभी तो मैंने बोला चार प्रॉपर्टी की जगह दो ही प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा, अब मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि केवल एक प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा। कैसे, तो ये आपके लिए फिर से एक प्रॉब्लम है, थोड़ा आप घबरा रहे होंगे, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम नहीं बढ़ती जा रही है, हमने काफी कुछ कर लिया है और आपको भी कुछ करना है। मैथमेटिक्स का पहला सिद्धांत यह है कि यदि आपने नहीं किया और स्वयं नहीं किया, देखकर नहीं, स्वयं सोच के नहीं किया, तो आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखी, प्रयास जरूर करना चाहिए। ये फिर से एक प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम है आपकी बुक्स में, आप बाद में बुक्स में देखेंगे, ये थ्योरम के रूप में लिखा, ये भी करेक्टराइजेशन है। अब देखिए मैं कंडीशन घटा रहा हूं, लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग एच फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच। देखिए जैसा, कितनी कंडीशन आ गई। अब पहले मैंने जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन में चारों कंडीशन थी, फिर मैंने एक करेक्टराइजेशन का रिजल्ट लिखा, इसको मैंने थ्योरम नाम दिया, पहली बार प्रूफ करके दिखाया, उसमें केवल दो कंडीशन से काम चलाया, और अब मैंने आपको जो प्रॉब्लम दी है उसको तो मैंने बोला कि यही कंडीशन काफी है, मतलब कोई मेरे पास, कोई मुझे एक ग्रुप दे, मुझे उसका सबसेट दे और मुझसे बोले कि चेक करो कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, बस मुझे एक ही कंडीशन चेक करनी है, ये वाली, कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, बस एक कंडीशन से काम चल गया। तो मैथमेटिक्स कैसे इवॉल्व होती, देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है, और डेफिनेशन सिंपलेस्ट इसलिए होती है क्योंकि सिंपल टर्म में लिखी होती है। इसका मतलब नहीं कि डेफिनेशन सबसे बेस्ट चीज है, फिर उस डेफिनेशन को देखते हुए आप थ्योरम्स बनाते हैं जो डेफिनेशन से भी सिंपल करेक्टराइजेशन दे सकती है। और तो ये जो इसके प्रूफ में याद रखिएगा, आपको क्या क्या दिखाना है, आपको क्लोजर दिखाना है। एक पार्ट तो इजी है, पहला पार्ट बहुत इजी है, दूसरा पार्ट जिसको मैंने कन्वर्सली कहा था थ्योरम में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये कंडीशन है तो क्या सब ग्रुप बनेगा, तो आपको पहले क्लोजर भी दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है, इनवर्स दिखाना है, और एसोसिएटिविटी चिंता बंद कर दीजिए, क्योंकि जी एसोसिएटिव है तो उसके सारे सबसेट एसोसिएटिव होते हैं, तो एसोसिएटिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। तीन मेन चीजें हैं, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
और आइडेंटिटी दिखाना। और याद रखिए, आप यहां पे भी ध्यान नोट करेंगे, सब ग्रुप की आइडेंटिटी वही आ रही है जो ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो आप इस पर बात करेंगे अभी। तो ये आपके कैरेक्टराइजेशन की थ्योरम और ये प्रॉब्लम है जो आपको करनी है। इस प्रॉब्लम को मैं इसके बाद में थोड़ा सा एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस जो मेन हमारी प्रॉब्लम है जिसका प्रूफ तो मैं यहां नहीं दूंगा, पर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। हमने इसके पहले लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। मेरा कोई इफ if g is a cyclic group and h be a subgroup of g, h यदि subgroup है g का, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। G यदि साइक्लिक ग्रुप है तो आपको पता है G यदि साइक्लिक ग्रुप है तो किसी जनरेटर से जनरेट हुआ होगा, H उसका सब ग्रुप है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है? तो ये बात बड़ी अजीब सी लगी हुई आपको, क्यों जरूरी है कि सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा? पर आश्चर्य की बात है कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही कुछ इस तरह से लिखी गई है कि उसका सब ग्रुप भी, इसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं वैसे साइक्लिक ग्रुप का। तो ये थ्योरम है जिसका प्रूफ हम बाद में देंगे, पर आपको सोचने के लिए कुछ एग्जांपल से आप देख सकते हैं इस बात को अच्छी तरह से। मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, पहले इसे डेमोंस्ट्रेट करूंगा। थ्योरम ये है, इफ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, इफ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज ऑल्सो साइक्लिक। किसी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप कोई भी ग्रुप उठाइए, साइक्लिक ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछे कि भाई ये ग्रुप है और वो आपको उसमें एक नॉन साइक्लिक सबसेट दे दे और क्वेश्चन पूछे क्या ये सब ग्रुप होगा, आप वो एक तुरंत आंसर दे सकते हैं कि ये सबसेट नॉन साइक्लिक है, तो इसके सब ग्रुप होने का सवाल ही नहीं उठता। तो किसी भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का, तो मैं इसको बनाना चाहता हूं। यहां पर हमने क्या साइक्लिक सब लिया था, याद करो, हमने लिया था जेड फोर, इज ये हमने देख दिया, हमने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर। हम इसके पहले मैं आपको इसकी सब ग्रुप बना के दिखाता हूं। पहले जेड फोर क्या था, कौन कौन से एलिमेंट थे जेड फोर में, याद करो, 0, 1, 2 और 3। कोई चिंता मत करिए, इसके सब ग्रुप बनाना बड़ा इजी है। आप हर एक एलिमेंट को उठाइए और उससे जनरेट करिए, उसमें से कुछ ग्रुप बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, आप जानते हैं अच्छी तरह से। जीरो से क्या बना, याद करो, केवल ये, और ये तो आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, चाहे ग्रुप साइक्लिक हो चाहे ना हो, क्योंकि उसमें केवल एक एलिमेंट है और वो आइडेंटिटी है। ये सबसेट है जेड फोर का, और क्या है, ये साइक्लिक है, ऑटोमेटिकली ट्रेवियली साइक्लिक है। वन, मैं वन से जनरेट कर रहा हूं, केवल वन से जनरेट किया, तो क्या किया था, 1, yes, फिर दो बार किया था, याद आ रहा है, 2, 3, और क्या आया था, 0। तो ये तो पूरा का पूरा जेड फोर हो गया, तो जेड फोर तो हमको दिया ही है साइक्लिक है, तो ये वाला सब ग्रुप भी साइक्लिक है, ये सब ग्रुप जेड फोर के बराबर है। फिर
ये इंटरेस्टिंग था, याद करो ये क्यों इंटरेस्टिंग था। थ्री वाला फिर से पूरा जेट फोर बनाता था, टू वाला जेट फोर नहीं बनाता था। तो टू में क्या आया था याद करो, टू में केवल आपके पास आया था जीरो और टू। अब जरा टेबल बनाए इसकी, कैसा रहेगा देखिए, ये सब ग्रुप है कि नहीं है, क्या टेबल है जीरो टू जीरो टू। जीरो जीरो टू टू जीरो टू प्लस जीरो टू 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 फोर फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो। देखो जरा सा मेरे टेबल के अनुसार क्या, टेबल के नियम के अनुसार क्या है, ये सब ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप है और ये साइक्लिक भी है। किससे जनरेट है, टू से। तो इसका मुझे केवल दो सब ग्रुप मिले इंटरेस्टिंग, एक सिंगलटन वाला और एक टू वाला, और दोनों ही क्या है, साइक्लिक है। तो हमारी इस बात को बल मिलता है, किस बात को बल मिलता है, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। ये भी साइक्लिक, ये तो जेड फोर था तो साइक्लिक है ही, टू वाला ये भी साइक्लिक, ये सब ग्रुप है प्रॉपर। जो सब ग्रुप दोज सब ग्रुप्स विच आर नीदर आइडेंटिटी और फुल ग्रुप, जो ना तो आइडेंटिटी हो नॉर सॉरी नो, ऐसे सब ग्रुप जो ना तो सिंगलटन आइडेंटिटी वाले हो, जिनको आपने इंप्रॉपर कहा था, और ना पूरा का पूरा ग्रुप हो, आर कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। आइडेंटिटी वाला और पूरा जी पूरा ग्रुप उसको इम्प्रॉपर कहते थे, उनको उनके अलावा जो आते हैं वो सब प्रॉपर होते हैं। तो याद करो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक है, ये पूरा का पूरा इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक है, ये प्रॉपर सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक है, और थ्री से बनने वाला भी क्या होगा, जेट फोर, थ्री से बनने वाला भी क्या होगा, फिर से जेट फोर होगा, ये भी साइक्लिक है। मेरी ये बात वेरीफाई हो गई। पर याद रखिए सबसे स्पष्ट बात, एक चीज याद रखिए, थ्योरम की बात क्या, ब्यूटी क्या है, एक एग्जांपल थ्योरम का प्रूफ नहीं होता। मैंने तो आपको एग्जांपल एक साइक्लिक ग्रुप का लिया, दिखाया कि उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं। जब आप थ्योरम लिखते हैं तो आपको इसे प्रूफ करना पड़ता है, और प्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वही मैंने आपको आज एक थ्योरम सिखाई कि आप जब पढ़ रहे हैं क्लास में मेरे लेक्चर के साथ साथ आप बुक्स भी देख रहे हैं, तो आप ये नोट करेंगे कि थ्योरम और प्रूफ मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं ना आपको, मैं आज के लेक्चर का अंत इस बात से करूं कि मैं आपको बुक के नाम लिखना चाहता हूं। तो एक तो ये बुक है, बड़ी स्टैंडर्ड बुक है, बड़ी इजी वे में लिखी हुई बुक है, और ये सबके पास होनी चाहिए, इजी बुक है। गैलियन ऑथर है, बुक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न एलजेब्रा। इसका इंडियन एडिशन मेरे ख्याल से नरोसा से पब्लिश है, या कहीं और से भी हो सकता है, नरोसा का भी पब्लिकेशन और की है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न एलजेब्रा। और जो बच्चे पूरा ग्रुप का एक इंसाइक्लोपीडिया रखना चाहते हैं, पूरा बीएससी और पूरा एमएससी का कवर करता हुआ, तो वो है डमिट एंड फुट की एलजेब्रा। इसमें आपको एलजेब्रा की सारी चीजें समाई हुई हैं। ये बुक मेरे ख्याल से 250-300 पेज की है, और ये बुक 900 पेज की बुक है। इस बुक में सब समाया है, पर ये बड़ी थोड़ी एडवांस बुक है, ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसमें काफी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, कई चीजें जो हम करेंगे भी आगे चलकर, और मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपको कुछ और बातें सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ और बातें बताऊंगा, और परम्यूटेशंस ग्रुप्स के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे।